अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएल खाबरी का जयपुर पहुंचने पर एससी विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव प्रशांत बैरवा, जयपुर शहर के उपाध्यक्ष एसके बैरवा, कार्यालय प्रभारी ओम प्रकाश जेदिया सहित कई नेताओं ने खाबरी का स्वागत किया। खाबरी जयपुर में आयोजित किसी कार्यक्रम में भाग लेने आए हुए थे। इस दौरान सर्किट हाउस में उनसे कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी मुलाकात की। खाबरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान में देश में एससी वर्ग दयनीय हालत में है, उन पर अत्याचार बढ़ गए हैं, अल्पसंख्यक आदिवासी सुरक्षित नहीं है, महिलाओं और किसानों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। छात्राओं के साथ छेड़खानी को लेकर के वो अनशन पर बैठी थी, उनके साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, कई छात्राएं बुरी तरह से घायल हैं और उससे कहीं आपका राजस्थान अछूता नहीं है। राजस्थान में भी बहुत जगहों पर ऐसे ऐसे कांड हुए हैं पिछले 3-3.5 साल की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो आप लोगों ने समय समय पर दिखाया भी है, छापा भी है। आज पूरे देश में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा, उससे निपटने के लिए बहुत नज़दीक समय आ गया है और इसीलिए हम पूरे देश के तमाम चुनावी राज्यों में जा जा करके अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए हमें एकजुट होकर के कांग्रेस के